आज हम बनाने वाले हैं बाल्टीमोर ओरिओल का ड्राइंग। बहुत ही सुंदर बर्ड होता है, पक्षी होता है, उसका ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले हम उसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, किस टाइप से दिया है, किस टाइप का पिक्चर है। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका जो फेस होता है सर्कल के टाइप से होता है। तो यहाँ पर हम एक फेस ड्रॉ करते, नेक की लाइन्स और ये ओवल शेप बॉडी है, अंडाकृति। तो यहाँ पर हम एक बड़ा सा ओवल शेप ड्रॉ कर लेंगे। कलरफुल बर्ड है, बढ़िया सा, तो उसी टाइप से हम कलर भी करने वाले। यहाँ पे हम बड़ी सी टेल ड्रॉ करते, बहुत लंबी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, इस टाइप से ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम उसके पैर ड्रॉ करते। ओरिजिनल फोटो है, उसी में से देख के बनाना है, कितना साइज का लेग है, कितने छोटे है, कितने बड़े है, सारा कुछ देख के अच्छे से लाइट लाइट ड्रॉ करना है। अब जो फेस है, यहाँ पर हम उसकी चोंच बिग बनाते हैं, थोड़ी तिरछी है, बीच में की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और अंदर का पार्ट रब करते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट ध्यान में रखकर हम आँख बनाते हैं, गोल है, अंदर का पार्ट रब कर लेते हैं। उसके नेक के नीचे का पार्ट जो ब्लैक है, उसी टाइप से हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिनल इमेज है, उसी टाइप से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उसके पंख ड्रॉ करेंगे, जो उसके फेदर है, इस टाइप से जिग-जैग और यहाँ स्लैंटिंग है, ये वाला लाइन ज्वाइन करते हैं फेदर वाला। और जो टेल है लंबी सी है, तो उसको भी आउटलाइन करेंगे, ब्लैक पार्ट जहाँ है वहाँ पे थोड़ा सा नेरो जगह है। यहाँ पे हम उसके पैर के साथ साथ उसके नाखून वगैरह भी सब ड्रॉ कर लेंगे और उसकी जो उंगलियाँ हैं वो अच्छे से बनाना है। एक ब्रांच के ऊपर बैठा है, इस टाइप से हम बनाने वाले हैं। बहुत मोटी भी ब्रांच नहीं होना और बहुत पतली भी नहीं। और कुछ चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी ड्रॉ करते। ओरिजिनल फ़ोटो है, वाटर कलर की टेक्निक डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए जो मेन चीज़ें हैं वो ही ड्रॉ करना होता है, बाकी की नहीं। तो यहाँ पे हमने ब्रांच बना लिया और एक लीफ बनाएंगे, नीचे से देख के बना रहे। तो यहाँ पे हम एक बड़ी सी पत्ती ड्रॉ कर लेते हैं और साइड में भी एक ड्रॉ करके रख लेंगे, या और भी हम बना सकते हैं। तो इस टाइप से ड्रॉ कर लिया, हल्के हल्के हाथ से इरेज करना है, लाइट कर लेना है पूरे ड्राइंग को। और आर्टिस्टिक वाटर कलर केक है, कैमल कंपनी के, उसका यूज़ करेंगे। क्लीन वाटर है, ब्रश है, 0 पॉइंट का, 10 नंबर का, 8 नंबर का, टिश्यू पेपर है। सबसे पहले हम वॉश कर लेते हैं, कलर एक दूसरे में मिक्स करना है इसलिए हम वॉश करते हैं कभी भी टिश्यू पेपर से। ज़्यादा पानी हो गया है तो उसे पोंछ लेंगे, ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कलर मिक्स करके देखते हैं, यहाँ पे ब्लू के शेड, क्रिमजन के शेड, ब्राउन के शेड, इस टाइप से हम 3-4 शेड मिक्स करके उसके फेस के लिए बना लेते हैं। और पहले लाइट फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले लाइट, फिर मिडल, फिर डार्क, ऐसे 3 स्टेप में पूरा का पूरा ड्राइंग होगा। तो पहले हमने यहाँ पे ये वाला शेड लगा लिया, थोड़ा ड्राई हो गया है, उसके ऊपर दूसरा शेड थोड़ा सा डार्क लिया, मिडल शेड, उसको मर्ज करें। यहाँ पे हमने पहले वॉश करके रखा है इसलिए कलर आसानी से मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है। बहुत सारा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती है, मेन चीज़ें हमेशा ड्रॉ करना होता है, ये खासियत होती है वाटर कलर की। ब्रश किस टाइप से पकड़ के रखा है वो भी देखना है, प्रेशर नहीं होना चाहिए ब्रश के ऊपर, हल्के हल्के हाथ से पॉइंट से काम करना है। तो यहाँ पे हम जो उसके विंग्स है वो अच्छे से बना लेते, डार्क शेड जो ऊपर फेस के लिए बनाया वही शेड से हम यहाँ बनाते, ब्लैक कलर यूज नहीं कर रहे, कलर शेड हमने बनाए हैं। तो जो बीक है उसको भी लाइट शेड, फिर थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम मिडल करने वाले, फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम कलरिंग करते। बड़ा ही इजी है और ध्यान से किया तो बहुत ही सुंदर बनेगा। लेमन येलो लगा लेते हैं, फिर क्रोम येलो, फिर ऑरेंज शेड, ऐसे एक दूसरे में शेड बनाकर देखना है और फिर यूज़ करना है। हल्के हल्के हाथ से पहले कलर लगा लेते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क शेड है तो ऑरेंज का यूज ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई होने देते हैं थोड़ा, तब तक हम रेड कलर ले लेते हैं और उसके ऊपर दोबारा लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा लगाना है और उसे मिक्स करना है।
वापस ऐसे एक दूसरे में शेड बनाकर देखना है किस टाइप से बनाना है कलर और लगाना है। तो ऐसा छोड़ दिया कलर तो भी बढ़िया सा मिक्स हो जाता है। और जो टेल है वहाँ पे डार्क शेड है इसलिए वहाँ पे पहले लगा लेते हैं और टेल का लेमन येलो क्रोम येलो शेड यूज़ करके टेल बना लेते हैं। ब्रश को बहुत ज़्यादा घिसना नहीं होता है, पॉइंट से काम करना होता है। जो फेस के लिए कलर किया है वही लेग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसके जो पैर के पंजे हैं उसके अंदर भी कलरिंग कर लेते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं। तो लाइट मिडल डार्क ऐसे स्टेप बाय स्टेप में वाटर कलर करने वाले हैं। पूरा ध्यान से कलरिंग करना है, हल्के हाथ से कलर करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और वही कलर हम जो ब्रांच है उसमें कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन हम हमारे हिसाब से भी ब्रांच का बना सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट लाइट कलर लगाना है, फिर उसे हम मर्ज करेंगे। ब्रश धोना है, पोछना है और फिर उसका यूज़ करके मर्ज करना है, पॉइंट से काम करना है। ब्रश पे जो आग बनाई है अब उसमें हम थोड़ा सा डार्क शेड लगाते हैं। पर्शियन ब्लू और ग्रीन शेड को मिक्स करके हम डार्क शेड बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लाइट किया था, फिर मिडल, अब डार्क, ये फाइनल स्टेज है। यहाँ पे थ्री स्टेप में हम काम करते हैं कोई भी वाटर कलर करने के लिए। तो इस टाइप से हम बर्ड के जो फेदर का लुक है वो देने के लिए, छोटे छोटे बाल का लुक देने के लिए लाइट लाइट शेड हल्के हल्के हाथ से इस टाइप से ब्रश चलाते हैं और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अब नीचे का जो पार्ट है उसमें भी सेम है, थोड़ा थोड़ा सा डार्क शेड, और जो टेल है वहाँ पे भी, जो बीक है उसकी चोंच है उसके अंदर भी पॉइंट के ब्रश से काम करना है। अब यहाँ पे हम रेड शेड का यूज़ करते हैं, रेड शेड, थोड़ा सा क्रिमजन रेड ऐसे मिक्स करके देखना है और लगाना है, इस टाइप से लगाना है, ब्रश धोना है और फिर उस पर मर्ज करना है। वैसे ही नीचे साइड में भी यहाँ पे इस टाइप से लगा लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें दिखता है, कुछ चीज़ें नहीं दिखता है, तो भी हमें बनाना होता है, ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना है ड्राइंग में। अभी यहाँ पे हम इस टाइप से उसके लेग के लिए भी कर लेते हैं और जो ब्रांच है वो भी बना लेते हैं। टेल के नीचे का जो ब्लैक पार्ट है वो हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हमें बनाना है या नहीं बनाना, कुछ कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है वाटर कलर में। वाटर कलर की टेक्निक पूरा डिफरेंट टाइप से होता है और लाइट टू डार्क शेड में काम करना होता है। यहाँ पे हमने सैप ग्रीन और येलो ऑकर को मिक्स करके लीफ के लिए कलरिंग करते हैं, उसे ड्राई होने देंगे, फिर डार्क शेड ब्लू शेड है उसी का डार्क शेड ग्रीन मिक्स करके उसके नीचे में भी हम उसी टाइप से, तो इस टाइप से हम लीफ भी बना लेते हैं। डार्क इसलिए करें कि ऊपर लाइट वाली शेड दिखना चाहिए ऊपर पार्ट में। तो इस टाइप से हम बढ़िया सा एक दूसरे में कलर मिक्स करके एक सुंदर सा बर्ड का ड्राइंग बनाते चलते हैं। बैकग्राउंड हमारे चॉइस का हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे कलरफुल बैकग्राउंड बना रहे हैं। एक दूसरे में कलर अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तो मिक्स होने के लिए ही हमने सबसे पहले वॉश किया था। कुछ लाइट शेड है, कुछ थोड़े से डार्क शेड है, कलर कॉम्बिनेशन हम हमारे चॉइस की कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। कलर और पानी का परसेंटेज अच्छे से मिक्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं, पानी का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। 90% वाटर, 10-20% कलर का यूज़ होता है वाटर कलर पेंटिंग के लिए। यहाँ पर ये वाटर कलर का हैंडमेड शीट के ऊपर हम बना रहे हैं।
पूरा ड्राइंग को बैकग्राउंड करने के बाद और भी हमें कुछ डिटेल करना है तो हम कर सकते हैं। ये पूरा बैकग्राउंड अच्छे से कर लेना है, ड्राई होने देना है, कुछ इफेक्ट डालना है तो भी हम बाद में ऐड कर सकते हैं। और यदि हम चाहें तो इसे पेन से आउटलाइन भी कर सकते हैं ब्लैक कलर के। यहाँ पर उसके पैर के पास थोड़ा सा डार्क शेड है तो रेड का यूज करते हैं, और उसके नीचे थोड़ा सा ब्लैक है तो वो हमने ऐड नहीं किया है। आपको ये वाटर कलर बर्ड का ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।